महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम दिन। आज विश्वास मत पर मतदान होगा। शिंदे सरकार को अपना बहुमत साबित करना होगा। तो बगावत के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन विधानसभा में संख्या बल को साबित करना, सरकार बनाने के लिए जो जरूरी विधायकों की संख्या है उसे साबित करने का दिन आज है। शिंदे सरकार को आज विश्वास मत हासिल करना होगा। तो उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा, कल शिवसेना विधायक दल के नेता की नियुक्ति रद्द की गई। नए स्पीकर ने अजय चौधरी की नियुक्ति को रद्द किया। वही शिंदे शिवसेना के विधायक दल के नए नेता बने। चीफ व्हिप सुनील प्रभु की नियुक्ति को भी रद्द कर दिया गया। जो फैसला स्पीकर ने लिया है, इस फैसले के खिलाफ अब शिवसेना कोर्ट जाएगी, क्योंकि नए विधानसभा स्पीकर के चुने जाने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। चीफ व्हिप सुनील प्रभु की नियुक्ति को उन्होंने रद्द कर दिया है, विधायक दल के नेता की नियुक्ति को भी रद्द कर दिया है। ऐसे में शिवसेना अब इसके खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। तो बीते 15 दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में जो महासंग्राम हुआ, अब बहुत मुमकिन है कि वो थम जाए। फिलहाल के लिए इस पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज शिवसेना, आज जो विश्वास मत है वो शिंदे सरकार को हासिल करना होगा। 30 जून को शिंदे सरकार बनी थी, एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, 3 जुलाई को बीजेपी के स्पीकर जीते और अब बारी है फ्लोर टेस्ट की। प्रस्ताव संमत झाला आहे। श्री राहुल सुरेश नार्वेकर विधानसभा सदस्य यांची महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली आहे। महाराष्ट्र राजनीतिक घमासान का आज सुपर मंडे है। सुपर संडे में शिंदे सरकार ने पहली अग्नि परीक्षा पास की। जबरदस्त राजनीतिक नाटक के बाद राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष बने। अब आज शिंदे सरकार की होगी असली अग्नि परीक्षा, जब होगा फ्लोर टेस्ट। जी हां, महाराष्ट्र की राजनीति का घमासान अभी भी जारी है। अभी तक विधानसभा के बाहर हो रहा घमासान अब विधानसभा में भी होगा। रविवार को बीजेपी के राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष बन गए, तो आज असली चुनौती है, या यूं कहें कि शिंदे सरकार की वैधता की परीक्षा है, क्योंकि आज शिंदे सरकार को बहुमत साबित करना है। बीजेपी को उम्मीद है कि आसानी से बहुमत साबित हो जाएगा। फ्लोर टेस्ट होने वाली है, उस फ्लोर टेस्ट को लेकर के सदन में किस प्रकार से कामकाज होगा, क्या उसके नियम होते हैं, किस प्रकार से उन नियमों का पालन होना चाहिए, इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को मार्गदर्शन किया है। और देश और महाराष्ट्र की जनता जिस समय का इंतजार कर रही है, तो वो पल नजदीक आ चुका है। फ्लोर टेस्ट भारी मतों से जीते। वैसे आज की फ्लोर टेस्ट से पहले देर रात स्पीकर चुने जाने के 10 घंटे के अंदर ही राहुल नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका दिया है। नार्वेकर ने पद संभालते ही विधानसभा में शिवसेना विधायक दल के नेता और चीफ व्हिप पद पर अजय चौधरी और सुनील प्रभु की नियुक्ति रद्द कर दी। सदन में अब शिवसेना विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और चीफ व्हिप भरत गोगावले होंगे। स्पीकर के इस फैसले पर शिवसेना ने आपत्ति जताई है। सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के इस निर्णय के खिलाफ शिवसेना कोर्ट जाएगी। इससे पहले स्पीकर चुनाव में शिंदे सरकार ने उद्धव ठाकरे को मात दे दी। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला शिंदे गुट और बीजेपी के राहुल नार्वेकर और महाविकास अघाड़ी के राजन सालवी के बीच था। सदन में हेड काउंटिंग के जरिए चुनाव की प्रक्रिया पूरी की गई। देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में फिलहाल 287 विधायक हैं। जीत के लिए 144 का मैजिक नंबर था। शिंदे गुट और बीजेपी के संयुक्त उम्मीदवार राहुल नार्वेकर को 164 वोट मिले, यानी बहुमत से 20 अधिक। उन्होंने आसानी से विजय हासिल कर ली। राजन सालवी को 107 वोट मिले। 4 विधायक तटस्थ रहे। राज ठाकरे की पार्टी ने राहुल नार्वेकर के पक्ष में वोट डाला। समाजवादी पार्टी और AIMIM ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। विधानसभा अध्यक्ष चुनाव के लिए शिवसेना के दोनों गुटों ने व्हिप जारी किया। शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु ने पार्टी के 55 विधायक को व्हिप जारी कर राजन सालवी के पक्ष में वोट डालने का निर्देश दिया था, लेकिन 39 बागी विधायकों ने इसका उल्लंघन किया।
जो है वो शिवसेना ने दिया हुआ था और 39 लोगों ने उसके विरोध में मतदान किया है। और इस मतदान के बारे में अजय चौधरी हमारे गठन नेता है, उन्होंने जो पीठासीन अधिकारी चुनाव के समय बैठे थे उनके पास हमने हमारी खत देकर बताया कि 39 लोगों ने विरोध में मतदान किया। शिंदे के गुट के मुख्य सचेतक भरत गोगावले ने भी विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर शिकायत की है कि शिवसेना में उद्धव समर्थक 16 विधायकों ने उनके व्हिप को नहीं माना। वहीं कल बीजेपी और शिवसेना के बागी विधायकों ने फ्लोर टेस्ट को लेकर बैठक की और आज के लिए रणनीति बनाई। जिस तरीके से कल शिंदे सरकार आसानी से स्पीकर का चुनाव जीती है उससे तो लगता है आज का फ्लोर टेस्ट उसके लिए बेहद आसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर आप जानते हैं कि हर रोज ही शिवसेना सामना में कुछ ना कुछ जरूर लिखती है और इस बार सामना में क्या लिखा गया आपको बताते हैं। बीजेपी में शिवसेना को परास्त करने की क्षमता नहीं, इस बार इस तरीके से सामना में बीजेपी पर निशाना साधा गया। आरोप लगाया गया है कि बीजेपी ने शिवसेना में फूट डाली और महाराष्ट्र में कानून का राज अब नहीं बचा है। राज्यपाल ने संविधान का अपमान किया तो सामना में एक के बाद एक बीजेपी पर आरोप लगाए गए हैं। लगातार कई दिनों से शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं वो लोग और अब आज जो खबर आई है उसके मुताबिक सामना में फिर से बीजेपी पर निशाना साधा गया है। बीजेपी पर आरोप लगाया गया है कि शिवसेना को परास्त करने की उसमें क्षमता नहीं है, उसने शिवसेना में फूट डालने का काम किया है।